राजनीति, तन मन धन जैसे भी हो सके, भैरव होने के आध्यात्मिक उद्यम के एक पड़ाव के रूप में यहाँ इस अभिनव थिएटर में आज उपस्थित है। कार्यक्रम का आरंभ स्वाभाविक है तेजस से, प्रकाश से होना चाहिए, तो आरंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। दीप प्रज्वलन के लिए मैं समाज के कुछ मनीषियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रोफेसर रतनलाल शांत, कृपया मंच पर। प्रख्यात कवि, कहानीकार, आलोचक, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रतनलाल शांत। डॉक्टर काशीनाथ पंडित किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर काशीनाथ पंडित पद्मश्री, विचारक, राजनीतिक विचारक और फारसी भाषा के अप्रतिम विद्वान, जिन्होंने मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स पर और उसके पूरे संसार पर उसके प्रभाव को हमारे सामने लाया। प्रोफेसर हरिओम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ह्यूमैनिटीज के डीन, इतिहास राजनीति शास्त्र के प्रख्यात विद्वान श्री कुमार स्वामी जी। श्री कुमार स्वामी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अपना परिचय आप हैं। श्री कुलदीप खोड़ा, कश्मीर के खास तौर से हमारे समुदाय के घर घर में लिया जाने वाला नाम, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे आगे रहते हैं। श्री ओंकारनाथ त्रिशव, श्री ओंकारनाथ त्रिशव नहीं आ रहे क्या, आ रहे क्या? श्री किरण मातल, कोई किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, घर घर में लिया जाने वाला नाम है। जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक कामा, कृपया मंच पर आए। इस तेजस का प्रकाश आने वाले दो दिनों तक हमें आलोकित करता रहे और आने वाले अनंत समय तक हमें वो रास्ते दिखाता रहे जो रास्ते हमें अभी तक दिखे नहीं। तो दीप प्रज्वलन के बाद
हम एक पारंपरिक स्तुति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उपेंद्र जी, श्री उपेंद्र माधव जी। एक पारंपरिक स्तुति है जो आपके सामने श्री उपेंद्र अंबरदार जी और उनके साथी प्रस्तुत करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फोन्स और जो भी इस तरह की तीखी आवाज करने वाले यंत्र हैं, कृपया उनको साइलेंट मोड पर लगा दें। नमस्कार, कश्मीर शैव आश्रम की परंपरा है कि भगवान शिव को हम विश्वगुरु के रूप में मानते हैं और भगवान शिव ही भगवती का स्वरूप भी है और स्वयं वो शिव है ही। भगवान शिव ही हम सब में आसीन है। अपने आप को पहचानना वही भगवान की आराधना है और भगवान शिव को पहचानना है। तो इसी परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। श्री गुरुवे नमः, श्री परम गुरुवे नमः, श्री परमेश गुरुवे नमः, श्री गुरुवे पादम नमः। अगत संशयां बोधे परम परस्तम ज्ञानादम
कश्मीर के शैव दर्शन के बड़े बहुत ही बड़े संत थे, उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन को पुनः स्थापित किया कश्मीर में, एक तरह से जीवन दान दिया कश्मीर शैव चिंतन को, तो उनके बहुत ही आभारी हैं। जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया उनके अपने स्थापित आश्रम में श्री राम क्षेत्र का आश्रम जो फतेह के दल में स्थापित है, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और जो गुरु शिष्य परंपरा जो उनका उन्होंने प्रचलन फिर से किया, उसके कारण ही फिर से शैववाद या शैव दर्शन जो है फिर से स्थापित हुआ कश्मीर में। तो हम आज उनके आभारी हैं और उनका नमन करते हैं। उनमें एक दो श्लोक है स्वामी राम जी के समर्पित है। Yeah.
स्वामी राम जी थोड़ा से मैं संक्षेप में बता दूं, स्वामी राम जी महान सेवाचारी थे। जैसे मैंने कहा कि पुनः स्थापित किया उन्होंने कश्मीर में। उनका जन्म 14 दिसंबर 1854 को काजिया बबाकदल में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने घर पे ही अपने श्री अपने पिता श्री सुखदेव जी से प्राप्त की थी और अपनी उन्होंने दिशा जो ही है वो मन का भोंगा से ली थी। स्वामी राम जी के आदेश पर ही स्वामी माता पाक ने दिशा दी थी विश्वविख्यात स्वामी लक्ष्मण जी को, शिवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी को। और जो आजकल जो व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तो वो आश्रम की वजह से भी है, बहुत है और आभारी है और धनी है। स्वामी राम जी के चार प्रमुख जो शिष्य थे, स्वामी माता का प्रधान शिष्य थे स्वामी विद्याधर जी थे, स्वामी गाशकोल जलाली जी थे, स्वामी गोविंद कोल जलाली जी थे और गाशकोल जलाली जी भी थे। तो स्वामी विद्याधर जी ने अब जो दिशा दी थी डॉक्टर श्री रैना को, तो करनगर में उन्होंने फिर आश्रम का स्वामी विद्याधर आश्रम जो प्रचार प्रसार हुआ उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो शिष्य परंपरा जो है उसकी वजह से जो प्रसार हुआ तो उसके लिए हम आभारी हैं। तो उनमें मैं मुख्य नाम जो है वो है कांता जी माम, डॉक्टर सर्वानंद काजरू प्रमुख, शिष्य महात्मा काशीनाथ जी का काफी योगदान है, पंडित प्रेमनाथ नेहरू, डॉक्टर टी एन गुंजू, महात्मा ताराचंद जी, बद्रीनाथ नाथ, ब्रिजनाथ स्वामलू, श्री ब्रिजनाथ टिप्पू, और उल्लेख मैं करता हूँ श्री श्रीधर जी बोधा का भी और विश्वनाथ जोशी जी का भी और बंसीलाल वामलू जी का भी जो जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार, आ गया चाहता हूँ।